Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 18A from third question. So let's start the video from question number 3. In third question, it is given that the mean of the number 6, y, 7, x, 14 is 8. Express y in term of x. पहले ये देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया, उसके बाद इसका सलूशन कैसे होगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि इन नंबर्स का 6y 7x 14 का अगर मीन निकाला जाए तो कितना आएगा 8। अब आपसे कहा है फाइंड द एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, मीन्स y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ x। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द मीन। सो वी कैन राइट हियर मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म 6 प्लस y प्लस 7 प्लस x प्लस 14 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी टर्म्स 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। हेयर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मीन एज ए 8 एंड 6 प्लस 7 13 13 प्लस 14 27 प्लस x प्लस y एंड डिवाइडेड बाई 5। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी कैन राइट 8 5 ज़ 40 इज इक्वल टू 27 प्लस एक्स प्लस वाई। आपसे क्या है एक्सप्रेस वाई इन टर्म ऑफ एक्स, मीन्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सो ट्रांसफर बोथ द टर्म एज अ लेफ्ट हैंड साइड 40 माइनस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। इट्स मीन वाई इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। सो यू कैन राइट वाई इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर हो गया y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स एज ए आंसर। क्लियर, बस यही कहा था एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, मीन्स y की वैल्यू x के फॉर्म में लिखनी है। ये हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निशा स्कोर्ड 73, 86, 78 एंड 75 मार्क्स इन 4 टेस्ट। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ द पॉइंट शी शुड स्कोर इन हर नेक्स्ट टेस्ट इफ शी हैज़ टू हैव एन एवरेज ऑफ 80। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निशा के 4 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो 73, 86, 78, 75 हैं। बताइए उसको 4 टेस्ट में क्या मार्क्स कम से कम स्कोर करना चाहिए जिसकी उसका एवरेज 80 हो जाए। तो क्या मार्क्स स्कोर करना है, सपोज कर लेते हैं 5th मार्क्स एज ए एक्स। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से मार्क्स उसके हैं, 73 फर्स्ट मार्क्स, नेक्स्ट 86 एंड 78 एंड फोर्थ सब्जेक्ट में 75। आपसे कहा गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ द पॉइंट शी शुड स्कोर इन हर नेक्स्ट टेस्ट, सपोज एक्स स्कोर करना है, इफ शी हैज़ टू हैव एन एवरेज ऑफ 80। सो उसका एवरेज कितना होना चाहिए, एवरेज मीन्स एज ए मीन। सो उसको मीन कितना चाहिए, 80 चाहिए। सो एक्स की वैल्यू हमको चाहिए मालूम करनी है। सेम प्रोसेस, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म, मीन 73 प्लस 86 प्लस 75 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 73, 86, 78 मिस कर दिया, लास्ट में लिख दे रहा हूँ 78, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, डिवाइडेड बाई 5। सो मीन की वैल्यू क्या है, ये हो गई आपकी 80 प्लस। अब इन नंबर्स को अगर हम ऐड कर लें तो हमको मिल जाएगा 312। सो वी कैन राइट हियर 312 प्लस एक्स, क्लियर, डिवाइडेड बाई 5। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 एज ए 400 इज इक्वल टू 312 प्लस एक्स। नाउ वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 400 माइनस 312 एज ए 88। मीन्स फिफ्थ उसमें टेस्ट में उसको कितना स्कोर करना होगा, 88 मार्क्स स्कोर करेगी तब जाके उसका एवरेज 80 मिल जाएगा। क्लियर, तो बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फिफ्थ टेस्ट में उसको कितना स्कोर करना चाहिए कि उसका एवरेज 80 मेंटेन हो जाए। क्लियर, नाउ
ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम हमको इसके लिए एक टेबल बनानी होगी। और इस टेबल में देखिए, ऐसी एक टेबल बन ली। इस टेबल में हमको क्या करना है, वेट की जगह पे लिख दिया एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पे लिख दिया जाएगा एफ एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स एंड एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब जैसा वैल्यू देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। वेट एज ए 30, इनकी फ्रीक्वेंसी 8, नेक्स्ट 31 आप लोग अपनी अपनी बुक से देख लीजिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 10, नेक्स्ट 32, 15, 33, 8 एंड लास्ट 34 एज ए 9। आइए एक बार बुक में भी दिखा देते हैं किस तरीके से दिया गया है। देखिए बुक में ऐसे टेबल बनी थी, 31, 8, 38, 31, 10, 32, 15, 33, 8 एंड 34, 9। हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है क्योंकि हमको इसको मल्टीप्लाई करना था, इसलिए इसको इस तरीके से लिख लिया गया। अब हम क्या करेंगे, x एंड f को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। नाउ 30 मल्टीप्लाइड बाई 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 240 प्लस 310, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 480, नौ 8 3 24, 24 and 2 26, हेयर 9 4 36, 9 3 27 and 3 30। ये हो गए। अब हमको देख क्या करना है, इसमें से किसको किसको ऐड करना है, एफ को ऐड करेंगे इसको और एफ एक्स को ऐड करेंगे इसको, ये दो चीज़ों को हमको ऐड कर लेना है। दोनों को ऐड करके देख लें क्या मिलता है। यहाँ पे हम टोटल निकाल रहे हैं किसका किसका, अभी समझ में आएगा। ये आपका कहलाएगा सिग्मा एफ और ये कहलाता है सिग्मा एफ एक्स, मीन्स जिसको हम ऐड करके निकाल रहे हैं। इनको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है, 8 + 10 + 15 + 8 + 9, इन दोनों को ऐड करने पर आपको 50 and 1600 मिल जाएगा। क्लियर। ये आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमको क्या निकालना था, मीन निकालने के लिए बोला गया है। सो मीन इज इक्वल टू, मीन को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, एक्स बार। ये सब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो क्लास 9th की भी अलग से प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, तो वहाँ पे आपको क्लास 9th के सारे वीडियो मिल जाएंगे। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, अब इसमें ला के वैल्यू पुट कर दी जाए। सिग्मा एफ एक्स मीन्स 1600 डिवाइडेड बाई 50, जीरो कैंसिल विद जीरो, 5 3 15, 5 2 10, सो मीन एज ए 32। बस यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर होगा तो ऐसे निकालेंगे, अदरवाइज इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सिंपली ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया था। बस आपको ये समझना है कि f इंटू एक्स करके हमको एफ एक्स को ऐड करना है और सिग्मा f निकालना है, मीन्स फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन फाइंड हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी तरीके का आपका ये भी क्वेश्चन है, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसको एक्स सपोज कर लीजिएगा और ये फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी। क्लियर। बाकी सारी प्रोसेस वैसे ही जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है, सेम प्रोसेस यू कैन सॉल्व इन क्वेश्चन नंबर सी एंड डी। कुछ चेंज नहीं, आप तो एक्स एंड एफ के फॉर्म में दे दिया, सिंपली आपको एफ एक्स फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ एक्स डिवाइड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, तो अगर से क्वेश्चन क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा, थोड़ा सा एक स्टेप और चेंज होगा, बाकी सारी प्रोसेस आपकी वैसे ही है जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द टेबल इन वर्टिकल फॉर्म, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये आपकी टेबल दी गई इस तरीके से, जो मार्क्स है वो 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 एंड 40 to 48 दिया गया है। अब इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया गया है, फ्रीक्वेंसी एज ए 5, 3, 10, 16, 4 and 2, ठीक है ना। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, f इंटू एक्स निकाला था, यहाँ पे तो x दिया ही नहीं है, तो क्लास के फॉर्म में ना फ्रॉम 0 to 8, 8 to 16 इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहला काम आपको क्लास मार्क्स फाइंड करना होगा, मीन्स एज ए मिडिल टर्म ऑफ द क्लास, इसको x से इंडिकेट किया जाएगा, x यहाँ पे लिख देते हैं,
ये कैसे मालूम होगा? एड दिस टू नंबर, 0 + 8 आएगा डिवाइडेड बाई 2, मीन्स इसका हाफ करना है. सो क्या मिल जाएगा आपको एज ए 4. नाउ एड दिस टू नंबर, 24 डिवाइडेड बाई 2, 12. एड दिस टू नंबर, 40 डिवाइडेड बाई 2, 20. सेम एज हियर, एड दिस टू नंबर, 56 डिवाइडेड बाई 2, 28. एड दिस टू नंबर, 72 डिवाइडेड बाई 2, 36. एंड हियर एड दिस टू नंबर, 48 डिवाइडेड बाई 2 एज ए 44. ये हो गया एक्स. क्लियर? अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से बन गया जैसे कि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 था. अब क्या करना है हमको, यहाँ पर एफ इंटू एक्स निकालना है, एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स. अब इस दोनों को प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड कर लीजिए. 5 × 4 = 20, 12 × 3 = 36. बाकी प्रोसेस तो आप जान रहे हैं, 20 × 10 = 200, 16 × 28 = 448. 440x, 4 × 36 = 144, and 2 × 44 = 88. ये क्लियर हो गया. अब हमको किसका किसका ऐड करना था, f एंड fx का. इस दोनों को ऐड करके लिख देते हैं जो आएगा. अब अगर हम यहाँ पर f एंड fx को ऐड कर दें तो सिग्मा f इज इक्वल टू 40 एंड सिग्मा fx इज इक्वल टू 936. वापस जैसे मीन निकलता है मीन निकाल दिया जाए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. लाइए इसकी मीन की वैल्यू पुट कर दें, 936 डिवाइडेड बाई 40. अब इसको डिवाइड कर दिया जाए अगर 4 से, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16. यहाँ पे एक नीचे 10 होगा इसलिए 23.4 ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा. क्लियर? मीन्स 23.4 एज ए आंसर. ये आपका हो गया मीन. यहाँ पे लिख देते हैं मीन. क्लियर? नाउ सेम एज वी कैन सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11. दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अनदर मेथड ऑफ द mean. So try to solve all the example. In case of any doubt you may ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.